हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की भुर्जी। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत अच्छी लंच बॉक्स रेसिपी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो मैंने लिए है 300 ग्राम पनीर, जिसे हाथों से स्क्रैम्पल कर लिया है। मटर लिए हैं मैंने 1 कप से थोड़े से कम, और 2 अनियन लिए हैं जिसे बारीक चॉप किया है। 2 टमाटर लिए हैं, इन्हें भी बारीक चॉप कर लिया है। कटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जिंजर ली है चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर स्पाइसी वाली, जीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है। तो चलिए मटर पनीर की भुर्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। कढ़ाई रख दी है मैंने, कढ़ाई में डालेंगे अब तेल। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम जीरा डाल देंगे। 1 पिंच हींग डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अदरक डाल देंगे और थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे। अब मटर डालेंगे और 1-2 मिनट इसे भूनेंगे। मटर को हाफ फ्राई ही करेंगे, पूरी तरह गलाना नहीं है, क्योंकि मटर पनीर भुर्जी में मटर थोड़े से क्रंची रहेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। दो मिनट हो गए हैं मटर को फ्राई करते हुए। अब इसमें ग्रीन चिली और प्याज ऐड कर देंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करेंगे। मटर पनीर भुर्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये, और बहुत न्यूट्रिशियस है। लेकिन ध्यान देना है कि ऑयल इसमें कम यूज़ करना है, क्योंकि पनीर में ऑलरेडी फैट है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें फैट ऐड नहीं करना। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डाल देंगे, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाले मिक्स हो गए हैं अच्छे से, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले के साथ। अब 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब इसे चेक कर लेंगे। बीच में 1 मिनट बाद मैंने टमाटर को हिला लिया था। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से, अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का, और इससे कैल्शियम भी बहुत मिलेगा। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे और कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। पनीर में हाई प्रोटीन तो है ही, साथ ही विटामिन ए भी बहुत है और कैल्शियम भी बहुत है, और आयरन भी इसमें काफ़ी है, और इसमें हेल्दी फैट है, और मटर में काफ़ी हाई अमाउंट में विटामिन सी है, विटामिन ए, विटामिन बी, और फाइबर में बहुत ही हाई है। तो अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, तो बहुत ही अच्छी डाइट है उसके लिए। पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है और 1/2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। तो अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मटर पनीर भुर्जी बहुत ही परफेक्ट मील है आपकी, इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब चेक कर लेंगे, हिला लेंगे सब्जी को। थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर रही हूँ, अगर मिर्च कम हुई तो इससे कवर हो जाएगी, और मिर्च थोड़ी ज़्यादा भी हो तो भी अच्छा लगेगा। अब गरम मसाला ऐड कर लेंगे और हरा धनिया ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे।
तो तैयार है हमारी मटर पनीर की भुर्जी। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। कैसी लगी आपको मटर पनीर भुर्जी की ये रेसिपी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।